आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था, प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं कन्याकुमारी से चला, शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था, घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको, दर्द गायब हो गया था। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई, पूरा अहंकार उतर गया, और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था,
और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने हैं, और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था, और 4 बच्चे आए पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उनपे, खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर नहीं सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा, तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं, तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है।
दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे, जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से अलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है, अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है। सोच वही है, इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण।